हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज बहुत टाइम बाद हम लोग ने व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट की है। बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी, हमारी जो बीजी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, तो इस चक्कर में हम लोग व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पाए। और अब जाके मुझे वक्त मिला है, एक सेटल हुई लाइफ, तो अब जाके हम लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं उठी, अपना काम किया, खाना वाना बनाया, तहरी बनाई, ईवान था मेरा बेबी उसको मैंने बात करवाया, उसके बाद मैं खुद बाथिंग करी, कॉफ़ी पी एंड देन मैंने उसको खाना खिलाया। और अब वो जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ क्या ये हैं हमारे ईवान, जिन्होंने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। आप देख सकते हैं रूम की क्या हालत हो रही है। और ये चल रहा है इनका कार्टून्स। इवान, मैं सोच रही हूँ आज कोल्ड कॉफ़ी बनाई जाए। वैसे तो मैं खाना खाने के बाद एक दो घंटे बाद इंटेक करती हूँ, लेकिन आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी खा लिया और मन भी बहुत कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, तो मैं जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने। भाई आज मैं कोल्ड कॉफ़ी आप लोगों के साथ बनाती हूँ। तो पहला स्टेप है कि आप आइस क्यूब्स को थोड़ा सा क्रश करिए एंड उसको डाल दीजिए ग्राइंडर में। बहुत ज़्यादा आइस क्यूब नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 5-6 ही इनफ है, मोर देन इनफ है, नहीं तो फिर आपका शेक जो है बहुत ज़्यादा आइसी हो जाएगा, कोल्ड कॉफ़ी आई मीन सॉरी। इसके बाद थोड़ा सा मिल्क, एंड देन हर्शीज़ का सिरप, बहुत कम बस। इसके बाद डालेंगे हम एक छोटा चम्मच कॉफी का, कप ऑफ वेनिला आइसक्रीम। कंसिस्टेंसी एंड फ्लेवर बहुत अच्छा है। और अब आप इसको करेंगे ग्राइंड ऑलमोस्ट रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। अब आप क्या करेंगे, हर्शीज का सिरप लेना है और अपने अपने ये क्या कहते हैं इसको, मग को या शेकर को, उसको आपको इससे कवर कर देना है ऐसे, एंड देन पोर करिए कॉफ़ी को। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में रेसिपी के लिए बताना कि आपको कैसी लगी। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ईवान कब सोएंगे, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत काम है जिसकी कपड़े आयरन करना होता है, बेसिक काम जो होते हैं थोड़ा बहुत समेटना है वो करके, फिर 6:30-7 तक करण आ जाएंगे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद हम लोग अपनी डाइट इंटेक करके चले जाएंगे जिम वर्कआउट करने, और फिर बच जाएंगे रात के 11, एंड उसके बाद होगा हमारा डिनर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी डाइट क्या है जिम के लिए और हमारे वर्कआउट्स क्या हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आज थोड़ा बहुत दिखा सकूँ, और बाकी तो अब मेरे रेगुलर व्लॉग्स में आप देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, बिकॉज़ ये मेरा पहला व्लॉग है और थोड़ा बहुत टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में कैमरा के सामने, जो कि मैं कभी नहीं थी। और अब मैं सोच रही हूँ इस चीज़ में आगे जाने के लिए, क्योंकि मेरी हमेशा से एक कहते हैं ना विश थी कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूँ, एक ब्लॉगिंग करूँ, बट कभी वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला, बच्चा हो गया, तो आप जानते हैं कि एक मॉम की लाइफ कितनी हेक्टिक हो जाती है स्केड्यूल।
एंड अब जाके थोड़ा बहुत मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ. बट मुझे नहीं पता कि मेरी ब्लॉगिंग सही है कि गलत है. इट्स ओनली दैट कि मैं ट्राई कर रही हूँ. आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा एंड मुझे ग्रो होने में मदद करिएगा. दैट्स इट. थैंक यू. तो गाइस शाम के हो बज गए हैं 7:30 और इवान साहब उठ चुके हैं नींद से. अभी भी थोड़ा बहुत नींद में है लेकिन एक्टिव हो रहे हैं. और यहाँ मेरी डाइट मैंने बना ली है जो कि है 6 एग वाइट्स, जिसमें 2 मेरे हैं एंड 4 करण के. और बाकी है पीनट बटर विथ आलमंड्स ऑन ब्रेड, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड का है. माई फिटनेस साहिल खान की ब्रांड है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटीन इसमें होता है. एंड अब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका है और वो आ गए. तो आ गए हैं मिस्टर करण और इवान. हेलो करण, आप क्यों थके हुए इतना? काम करके आदमी छुट्टी जावे यार. कौन सा पहाड़ तोड़ा है आपने? ट्रांसपोर्ट का डाइट चाहिए. डाइट रिगार्डिंग अर्जेंट जाना है, उससे पहले डाइट. हालांकि प्री वर्कआउट पियेंगे, एवरीथिंग विल बी ओके. और कॉफी का क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी आप पे है. तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपना वर्कआउट करने जिम. कार्डियो फॉर 30 मिनट्स. वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है एंड लास्ट बचा है मेरा कार्डियो. क्रॉस ट्रेनर 30 मिनट्स करके बैक टू. सो हम लोग जिम से वापस घर जा रहे हैं एंड ये है मिस्टर इवान, जिनको कार बहुत पसंद है. घर में भी ये सारी कार से खेलते ही रहते हैं और यहाँ पर भी ये स्टीयरिंग घुमाए जा रहे हैं, हॉर्न बजाए जा रहे हैं. इवान The horn on the bus go beep 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 करके दिखा दो. beep beep के देखिए कैसे जासूसों की तरह बाहर झांक रहा है. So guys अब हमारा डिनर हो चुका है और इवान खेल रहे हैं अपनी खिलौनों से. अब हम आपसे मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.